जय माता दी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकेट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है रसपान कीजिए देवी भागवत पुराण के आज के अध्याय का राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा हे मुनिवर भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला और परम आदरणीय है मुझे अब इसका पता लगा है हे मुनिवर आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन नहीं अघाता देवी का यह परम पावन चरित्र कम पुण्य वाले मनुष्यों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है और भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है इसलिए हे सत्यवती नंदन व्यास जी आप तो बड़े दयालु हैं अब कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र भी सुनाइए महिषासुर महान पापी था देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई देवी भगवती उसे मारने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होकर फिर कहाँ पधारी महाभाग अभी, अभी अभी आप कह चुके हैं कि भगवती भुवनेश्वरी अंतर ध्यान हो गई तो फिर स्वर्गलोक या मृत्युलोक पर उनका निवास हुआ उन्होंने वही अपने देवी शरीर का संवरण कर लिया या फिर वे वैकुंठ में विराज गईं या फिर सुमेरुरी को सुशोभित कर लिया ये सब मुझे बताने की कृपा करें तब व्यास जी कहने लगे राजन मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है ये वो स्थान है जहाँ पहुँचने पर श्री ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर फिर वे अपने अपने कार्य में संलग्न हुए वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है भगवती जगदम्बा तरह तरह के रूप धारण करके वहां सदा लीला करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुति और सुपूजित होने के बाद कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई वे माया शक्ति और सनातनी है। उस स्थान पर अविच्छिन्न गति से उनका कीर्तन हुआ करता है संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गईं। ये देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु राजा को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह राजा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगे इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता राजा शत्रुघ्न को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए राजन उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया प्रजा सुख से समय बिताने लगी मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे पृथ्वी पर उत्तम धन धान्य उपजते थे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे सभी ऋतुएं सुखदायिनी थीं, घड़े के समान थन वाली दुधारू गवे मनुष्यों को इच्छा अनुसार दूध दिया करती थीं, स्वच्छ और शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह बड़ी सुगमता से बहता था उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे किनारे पर पक्षियों का समूह शोभा बढ़ाता था ब्राह्मण वेदत्व के जानकार और यज्ञशील थे छत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी वेदान और अध्ययन में सदा तत्पर रहते थे शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी वे प्रजा की रक्षा में कोई कमी नहीं होने देते थे सभी राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था किसी में विषय तृष्णा नहीं थी सभी प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था गोठ में झुंड की झुंड गुवे निर्भयता पूर्वक रहती थी राजन उस समय धरातल पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे राजा के अनुसार सभी के कर्मों की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही बीतता था महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई सबके हृदय की व्यथा शांत हो गई ब्राह्मण वेद पढ़ने में संलग्न हो गए उनके व्रत नियम और दान धर्म में अब कोई बाधा नहीं रही क्षत्रियगण प्रजापालन और वैश्यगण व्यापार में लग गए कुछ वैश्यों के यहाँ खेती व्यापार पालन तथा सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था महिषासुर का वध हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया प्रजा वर्ग में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं रही सभी मनुष्य बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे व्यास जी आगे कहते हैं राजन सुनो देवी का उत्तम चरित्र भी कहता हूँ ये कथा सभी प्राणियों को सुख देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली है शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े बलवान राक्षस थे किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव ही नहीं थी इनके पास बहुत से सैनिक थे देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर रहता था देवी भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये दोनों मार डाले गए देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने ये कार्य संपन्न किया था इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्तबीज और धूम्र लोचन नामक राक्षस भी युद्ध के मैदान में काम आ गए अर्थात उनका भी वध कर दिया गया देवी ने इन दानवों का वध करके देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया फिर वे देवताओं के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई राजा जन्मेजय ने पूछा कि पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ किसने उनकी प्रतिष्ठा की और फिर वे कैसे एक स्त्री के हाथों मारे गए उन्होंने किसकी तपस्या की या फिर किसने उन्हें वरदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए थे और फिर वे किस प्रकार मारे गए हे मुनिवर ये सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए तब व्यास जी कहने लगे राजन सुनो देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली ये कथा बड़ी अद्भुत और विलक्षण है इसके सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं मंगलमयी कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी फलों को देने वाली है प्राचीन समय की बात है शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए वे दोनों सगे भाई थे उनकी आकृति देखने लायक थी पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे कठिन तपस्या करने लगे योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार दस हजार अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे उन्होंने देखा कि वे दोनों भाई ध्यान लगाए हुए बैठे हैं तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभागो उठो तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूं तुम्हें जो इच्छा हो उसके अनुरूप वर मांग सकते हो मैं उस वर को देने के लिए तैयार हूं तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहां पर आगमन हुआ है व्यास जी कहते हैं श्री ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया वे सजग हो गए प्रदक्षिणा करके उन्होंने श्री ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और दंड की तरह वे उनके सामने गिर पड़े उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे कि हे देवाधिदेव हे दयासिंधो हे ब्राह्मण आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं विभो अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है केवल इसी भय से दुखी होकर हम आपकी शरण में आए हैं आप तो देवताओं के अधिष्ठाता जगत के रचयिता और क्षमा के भंडार हैं हे विश्वात्मन हमारी रक्षा आप पर निर्भर है आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें तब श्री ब्रह्मा जी बोले कि तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता और ये तो सर्वथा दे है जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति ये बिल्कुल निश्चित है जगन प्रभु ने सदा से ही जगत में ये मर्यादा स्थापित कर रखी है सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं इसमें संशय नहीं किया जा सकता इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो मैं उसे अवश्य पूरा कर सकता हूँ व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुभ और निशुम्भ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे फिर कुछ सोचने के बाद सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले कि हे सिंधो। फिर देवता मनुष्य मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो हमें यही वरदान दीजिए और इस वरदान को पूर्ण करने की कृपा कीजिए किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो नहीं सकती जो हमें मार सके चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है हे ब्रह्मा जी हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध होने का वरदान मिलना चाहिए स्त्री से हमें कोई डर नहीं क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है व्यास जी कहते हैं शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें उनके अनुरूप वर देकर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान पर पधार गए ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक धार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया और सभी प्रकार से उनकी पूजा की फिर उत्तम दिन और नक्षत्र देखकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज उन्हें प्रदान किया शुंभ बड़ा भाई था इसलिए सेवा में सम्मिलित हो गए चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी और बलशाली थे ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे इनके पास हाथी घोड़े और रथों की भरमार थी धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है यह सुनकर वह भी सेना सहित से आ पहुंचा इस प्रकार शूरवीर रक्त बीज भी आ गया वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था उसके पास दो अक्षोहिणी सेना थी राजन उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि युद्ध के मैदान में लड़ते समय अस्त्र शस्त्र से घायल उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी उतने ही अनेकों तदाकार, यानि उसी की तरह हो जाते थे उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित रहती थी रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे इसलिए रتبه बीच युद्ध में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था इसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर से देवराज इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया तब देवराज इंद्र ने उसकी छाती पे वज्र से चोट पहुंचाई भीषण वज्रघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा उसे मूर्छा आ गई उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग गए। उसका छोटा भाई मूर्छित होकर पड़ा हुआ है ये सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां पर आया और बाणों से सभी देवताओं को घायल करने लगा इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी